नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है उसकी डायरी जो उसकी सच्चाई का सबूत है। मैंने आज तक इसे इसलिए संभाल के रखा कि जिस दिन तू वर्दी पहनकर आएगा और तुझे दूंगी ताकि तुझे पता चले कि तेरा बाप गद्दार था या कानून और देश का वफादार था। अब तू इसे पढ़कर फैसला कर कि तेरा बाप क्या था। सोमवार तारीख 23 दिसंबर 1966 के दिन नासिक से बंबई के रिजर्व बैंक में एक वैन 10 लाख रुपए नकद ले जा रही थी। मुझे ड्यूटी दी गई थी कि मैं उस वैन को हिफाजत से रिजर्व बैंक तक पहुंचा दूं। आधे से ज्यादा रास्ता बगैर किसी तकलीफ के गुजर गया, मगर जब हमारी वैन एक सुनसान सड़क पर आई तो अचानक गोली चलने की आवाज आई और हमारे वैन का ड्राइवर गोली का शिकार हो कौन सा पैसा? ज्यादा चालाकी मत दिखा वरना जान से मार डालूंगा। मारो, तुम मारते मारते थक जाओगे, मैं मार खाते खाते नहीं थकने वाला। मैं इंसान नहीं हूं, मैं तो शैतान की आत्मा पे सुअर की चमड़ी चढ़ी हुए हैवान हूं। इसलिए अपन कॉम्प्रोमाइज कर लेते ना यार, आधा आधा बांट लेते हैं, तुम अपना माल दबा के बैठ जाना, मैं अपना लेके फूट जाता हूँ, क्या बोलते हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं फर्ज के लिए अपनी जिंदगी दे दूंगा मगर दौलत के लिए अपना ईमान नहीं बेचूंगा, समझे? आराम जरे तो मुझे खरीदा देता है। अरे तो नहीं खरीदता, जाने दो ना यार। पता कहाँ है पैसे? कौन सा पैसा? मैं तुझे याद दिलाता हूँ। जैकब साहब के लिए घर से खाना लाया। क्या इसमें? जैकब साहब का खाना ले जाओ इसे। आज से लॉकअप का खाना खाएंगे, लॉकअप का। लॉर्ड साहब घर से खाना मिले, मैं खिलाता हूँ, जिंदगी भर याद रखेंगे। इधर आओ, गेट आउट। ए बेड़ू, मेरे वास्ते एक वकील करना है, ये इंस्पेक्टर खाली पीली मेरा फंसा रहा है। भरोसा नहीं इन लोगों का, शायद इसी में कुछ लाया हूं। आनंद, इसने पैसे के बारे में कुछ बताया कि नहीं? बताएगा, सब कुछ बताएगा, इसके बारे में बताएगा और पुराने जुर्म भी कबूल करेगा। मैं इसका रिकॉर्ड ढूंढ रहा हूं, जब तक इसने नहीं बताया मैं इसे न तो खाने दूंगा न सोने दूंगा। हाँ ठीक है, इन हरामजादों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ये कानून के गिरेबान पर हाथ न डाल सके। इनकी खाल उतरवा देनी चाहिए, इन्हें फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। अच्छा आनंद, मैं चलता हूँ, ये फाइल तुम अच्छी तरह स्टडी कर लेना। कल इस हरामजादे को बताएंगे कि डाका डालना क्या होता है और पुलिस को धोखा देने का अंजाम क्या होता है, समझे? जेकब के लॉकअप से भागने में जरूर किसी का हाथ है, आखिर वो कौन हो सकता है?
कहीं रुपए यहां, रॉयल बैंक का लूटा हुआ रुपया यहां। मां, मुझे पहले ही शक था, जैकब को भगाने में तुम्हारा हाथ था और रुपया गबन करने में तुम दोनों का। यू आर अंडर अरेस्ट। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले आनंद को बदनामी की दलदल में जबरदस्ती गिरा दिया गया। मुझे फांसा गया क्योंकि मैं कुछ लोगों के रास्ते की रुकावट बना हुआ था। मेरे होते हुए लोग काला बाजार, चोरी, डकैती, स्मगलिंग कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसलिए मुझे रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाया गया। और ये प्लान बनाने वाला कोई और नहीं, इंस्पेक्टर राणा ही था। राणा और जिकब मुझे फंसने में कामयाब हो गए। आज सारा शहर समझ रहा है कि आनंद चोर है क्योंकि मेरे पास सच्चाई और ईमानदारी का कोई सबूत नहीं। उन दोनों ने मिलकर मुझे फांस लिया। मेरी इज्जत, मेरी शराफत, मेरी ईमानदारी आज राणा और जेकब की चालाकी की आग में जलकर खाक हो गई। लेकिन मैं दुनिया को दिखला दूंगा कि आनंद इज्जत से जिया है और इज्जत से मर जाएगा। हां, कानून इन्हें सजा नहीं देगा क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं उन्हें सजा देने जा रहा हूं। हो सकता है कि शायद मैं खुद वापस ना आ सकूं, मगर मेरी ये डायरी जो मेरी ईमानदारी और सच्चाई का सबूत है, इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। मेरे बेटे यानी अपने पोते को जवान होकर पुलिस अफसर बनने के बाद बताना, ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके। बस मैं जा रहा हूं। दादी, इसके बाद कुछ नहीं लिखा? इसके बाद लिखने के लिए मेरा बेटा जिंदा नहीं रहा। मुझे पता चला कि मेरा आनंद अस्पताल में जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है। जेकब और राणा, जब उनको पकड़ने के लिए इस तरह इन दोनों ने मेरे आनंद को जिंदा जला दिया। दादी माँ, आपने यह बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्या बता दी बेटे, राणा ने जी भरकर तेरे बाप को बदनाम किया, शहर के हर अखबार में उसके खिलाफ बयान दिया। लेकिन आप कानून का सहारा ले सकती थी दादी माँ। कानून सबूत मांगता है बेटे, ठोस सबूत। मैं एक अकेली औरत और तू नन्ना सा बालक, तुझे छाती से लगाकर कहां कहां भटकती, कैसे जैका पर राणा को गुनहगार साबित करती, कैसे? लेकिन ये डायरी तो थी ना दादी मां। बेटे, ये अधूरी डायरी न तो उनका जुर्म साबित कर सकती थी, न मेरे मरे हुए बेटे को बेकसूर। सुन बेटे, मैंने बरसों से इस आग को सीने में दबाए रखा है। मैं एक पुलिस वाले की बेटी थी, एक पुलिस वाले की पत्नी थी, एक पुलिस वाले की मां थी, और अब एक पुलिस वाले की दादी हूं।
और अब ये दादी अपने पोते से अपने बेटे और उसके बाप की मौत का बदला चाहती है। बोल, तू बदला लेगा या नहीं? बोल। जरूर लूंगा दादी माँ, मैं बदला जरूर लूंगा। मैं कानून के किताबों में एक बार फिर लिखवा दूंगा कि आपका आनंद और मेरा बाप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था और रहेगा। दादी माँ, मुझे आशीर्वाद दो। दादी माँ, हम तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हुए इंस्पेक्टर राज। हमसे हाथ मिलाने वालों के हाथ हम मजबूत कर दिया करते हैं, जैसे तुम्हारे अंकल राणा के हाथ हमने मजबूत कर दिए। और जो हमारी बात नहीं मानता, उनकी वर्दी छिन जाती है, उनकी तरक्की रुक जाती है और कभी कभी उनकी जिंदगी भी चली जाती है। यस, यू आर वेरी राइट। चेकअप साहब, मुझे तरक्की भी चाहिए, वर्दी भी चाहिए और जिंदगी भी चाहिए। और उसके लिए हमारा हाथ तुम्हारे सर पर होना चाहिए। तुम अपना हाथ मेरे सर पर रखो तो सही, मैं तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पहनाकर फांसी के फंदे पर ना लटका दूं तो मैं भी इंस्पेक्टर आनंद का बेटा नहीं। क्या, क्या सोच रहे हो? जी यही कि इंसान की तकदीर बदलते देर नहीं लगती। कल मैं क्या था और कहां था, और आज मैं क्या हूं और कहां हूं। और आने वाले कल को देखना हम तुम्हें कहां से कहां पहुंचाते हैं। खैर, तुम्हारे आने की खुशी में हम एक शानदार पार्टी देंगे जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के मैनेजर मिस्टर चैटर्जी भी आएंगे और उनके साथ उनकी खूबसूरत बेटी भी आएगी। साहब, आप अपने बैंक में इतना कैश पैसा रखते हैं, आपको डर नहीं लगता चोरी हो जाए या कोई डाकू? नहीं नहीं भाई, हमारा वोल्ट ऐसा है कि अगर उस पर बम भी फेंको कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। तो फिर आप उसको खोलते कैसे? वो कोड नंबर उसको घुमाना कुछ है। कोड नंबर? तो वो कोड नंबर क्या है? कुछ क्या कोड आपने क्यों पूछा? यूं ही ऐसे ही। ऐसी तैसी ऐसी की पूछा कैसे कोड नंबर है? दोस्ती पूछ लिया है। अरे दोस्ती की ऐसी की तैसी कैसे पूछा? पूछा कैसे? अच्छा, मैं बर्फ डालता हूँ। अरे बर्फ की ऐसी की तैसी कोड नंबर कैसे पूछा? अच्छा तुम गिलास खत्म करो, शराब को दूसरा गिलास बना दो। नहीं, शराब की ऐसी की तैसी कोड नंबर कैसे पूछा? यार मैं खड़ा रहूं या चला जाऊं यहां से? अरे जाने की ऐसी की तैसी कोड नंबर कैसे पूछा? कोड नंबर पूछ रहे? अरे हम अपनी जान दे देंगे कोड नंबर नहीं बताएंगे। तुमने पूछा कैसे कोड? शराब पिला के कोड नंबर पूछ रहे, पता नहीं कहां से चले आते हैं। राणा, तैयार हो जा राणा, बहुत जल्द फांसी का फंदा तेरे गले तक पहुंचने वाला है। याकब, तुम 2 महीने से बैंक रॉबरी का प्लान बना रहे हो लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मैंने 2 ही दिन में फूल प्रूफ प्लान बना दिया है। यह है बैंक का मेन गेट और यहां से ठीक ये 500 गज पर पहला मैन होल। टोनी अपनी गाड़ी इस मैन होल पर पार्क करेगा और गाड़ी के अंदर ही अंदर से नीचे उतर जाएगा। 300 मीटर जाने के बाद टोनी को एक दीवार मिलेगी, वो डायनामाइट उस दीवार पर फिक्स कर देगा। 11:10 पर एग्जैक्टली 11:10 हमारा एक ट्रक इस स्टॉल के साथ आकर टकराएगा एंड एग्जैक्टली एट 11:10 डायनामाइट ब्लास्ट। दोनों धमाके एक साथ होंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि ब्लास्टिंग हुई है। फिर 11:15 पर तुम अपने 4 आदमियों के साथ बैंक में दाखिल होगे और होल्ड अप करवाओगे। एक्सेलेंट पार्टनर, लेकिन एक सवाल यह है कि मैं और मेरे आदमी तो बैंक में होंगे, उस वक्त तुम कहां होंगे? मैं बैंक के सामने वाली बिल्डिंग के इस फ्लैट में दूरबीन से सारा मंजर देख रहा हूंगा। गॉड फॉरबिड अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं फौरन वहां पहुंच जाऊंगा और तुम लोगों के भागने में मदद करूंगा। एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल।
टाइम क्या है? 1:10। 1:12 कर दो और टोनी का टाइम भी ठीक करवा देना। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर राणा। थैंक यू टोनी। लीजिए राणा साहब की आवाज। लेकिन हम लॉकर का नंबर उस। डोंट वरी डैड, मैं बैंक मैनेजर की ऐसी कूची पूछी करूंगा कि उसका बाप भी लॉकर का नंबर बताएगा। खामोश, मेरी आवाज सुनो। कोई आवाज नहीं करेगा नहीं तो मैं उसे गोली से मार दूंगा। क्या? कौन हो तुम? वार्ड की चाबी लाओ। डोंट डू एनीथिंग। सारे वायर काट दिए क्या छोटियो? चाबी लाओ, चाबी लाओ। कोर्ट की गेम है। कौन सी तरफ? राइट साइड। सब दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाएं। मैं वादा करता हूं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अगर किसी ने आवाज करने की कोशिश की तो मैं उसे शूट कर दूंगा। ना मूव। मैं तुम्हारे पिताजी को यह बताने आया था निशा कि जेका वरुण उसके आदमी उनके बैंक पर डाका डालने वाले हैं। कल रात मैंने राणा और जेकब को बात करते हुए सुना था। हाँ निशा। फोन उठाओ वरना किसी को शक हो जाएगा। लेकिन हाँ या ना के सिवा कुछ मत बोलना वरना गोली मार दूंगा। हेलो मैनेजर साहब, मैं इंस्पेक्टर राज बोल रहा हूँ। हाँ। घबराने की कोई बात नहीं, आपकी बेटी सही सलामत है। डैडी, मैं ठीक हूँ डैडी। मैनेजर साहब, मुझे सब पता है कि इस वक्त बैंक में क्या हो रहा है। हाँ। एक आदमी लॉकर के अंदर से पैसे इकट्ठा कर चुका है। नहीं। ठीक है, आप सिर्फ हाँ या ना कहते जाइए, मैं 2 मिनट के अंदर बैंक पहुंच रहा हूं। ओके ठीक है। नो नो नो। हाँ यस। करो मैं गोली मार दूंगा। नो नो यस यस नो। शट अप यू बास्टर्ड। ए Thank you.
मैनेजर, मैनेजर साहब, आप मेरे आखिरी सबूत हैं मैनेजर साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी सूरत और तुम्हारे करतूत दुनिया को दिखाने आया हूँ। मतलब तुमने हमसे झूठ बोला था? झूठ से झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा सच है जेकब। शराना, अपने भतीजे के साथ मिलकर मुझे धोखा देना चाहता है? ये कभी नहीं होगा। मुझे धोखा देकर सारा माल हड़प करना चाहता है। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।